नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर आपका खराब हुआ है या ठीक है, आप किस तरह से चेक करेंगे और आपको बिना ये फ्रीज वाला तार दिए डायरेक्ट करंट में देके ये कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करेंगे। सिर्फ चेकिंग के लिए कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखेंगे कंप्रेसर आपका ठीक है या नहीं, ये किस तरह से आप करेंगे। ये कंप्रेसर को डायरेक्ट करंट में चेक करने के लिए आपको ज़रूरत होगा ये तीन पिन, इस तरह के जो पिन होने चाहिए, इस तरह के तीन पिन होना चाहिए। और आपको ये प्लग को खोल लेना है, कंप्रेसर के जो पीछे लगा हुआ आता है ये प्लग को आपको खोल लेना है। आपको चेक करना है यहाँ पर कॉमन कौन सा है, स्टार्टर और रनिंग कौन सा है। ये आपको चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला ये कॉमन है, मैंने चेक किया था, और ये स्टार्टर है और ये रनिंग है। रनिंग पे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए तीन पिन है कंप्रेसर पर, ये जो तीन पिन पर आपको इस तीन पिन पर लगा लेना है। तीन पिन पे ये कंप्रेसर पर लगा लेने के बाद और इस तरह के दो प्लॉक लगने वाला, नेगेटिव पॉजिटिव करंट चार्ज करने के लिए इस तरह के दो एक प्लॉक की ज़रूरत होगी। आप क्या करेंगे, ये जो तीन तार हैं, ये तीन तार को आपको कॉमन और रनिंग स्टार्टर पर चेक कर लेना है अच्छी तरह से, इसको फिटिंग कर लेना है यहाँ पर। अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि पिन के पिन से जॉइंट ना हो। देखिए यहाँ पर तीन तार लग चुके हैं। ये देखिए ये तीन तार लग गया है, जो हमारा ये कॉमन है और यहाँ पर स्टार्टर है, रनिंग है। यहाँ पर देखिए ये तीन तार यहाँ पर है, इस तरह से ये है और इस तरह से ये है और इस तरह से ये है। इस तरह से तीन तार लगे हुए हैं। आपको चेक करना है ये कैपेसिटर से यहाँ तक जाता है, तो आपको ये कैपेसिटर पे एक सिरा लगा लेना है। इस तरह से एक कटर तार लेना है, कटर तार को आपको इस तरह से ले लेना है, ये कैपेसिटर पे लगाना है। ये तार जो कैपेसिटर है इसमें आपको लगा लेना है। देखिए ये कैपेसिटर आपको खोल लेना है। देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर टू पिन है यहाँ पर लगा हुआ था इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर आ गया ये कॉमन, इस तरफ से इस साइड में लगा हुआ था, इस साइड में आपको कैपेसिटर में लगा लेना है इस तरह से। देखिए ये कैपेसिटर में लग गया, और बचा एक तार, आपको और एक टुकड़ा लेना है इस तरह से लगा लेना है। देखिए ये दोनों तार को मैंने लगा लिया। देखिए इस तरह से, इस तरह से लगाने के बाद आपको ये जो करंट होता है यहाँ पर, देखिए ये एक तार यहाँ पर मैंने लगा लिया और बचा और एक, और यहाँ पर जो और एक कमन तार है जो ये वाला, ये इसको आपको फेज दे देना है। यहाँ पर जो फेज होता है ये फेज आपको यहाँ से दे देना है, ये वाला, ये ऊपर वाला जो पिन है इसका ये फेज है, ये फेज के तार को आपको, ये फेज आपको डायरेक्ट देना है, ये डायरेक्ट करंट पर जाएगा, इसको छोड़ना है। और ये रहा दूसरा वाला जो सेकंड पिन का है, ये वाला, और बचाइए इसको आपको चेक कर। यहाँ पर देखिए जो कॉमन तार है, ये कॉमन को, ये जो दो तार हैं इसमें आपको जो पॉजिटिव वाला होता है ये जो कॉमन पे आपको जोड़ देना है। देखिए ये कॉमन पे जुड़ गया, और आपको ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव आपको रनिंग पे जो कैपेसिटर जो निकला है, देखिए यहाँ पे दो स्टार हैं, यहाँ जो तार पर आपको ये कैपेसिटर पे दे देना है एक तार। ये देखिए एक तार पे चला गया, और आपको ये जो कैपेसिटर से निकला हुआ तार है इसको आपको इस तरह से रखना है, और जो स्टार्टर है, स्टार्टर का तार है, इस तरह से आपको जुड़ के यहाँ पर इस तरह से दोनों तार को रखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से इसको इस तरह से जॉइंट करके शॉर्ट करना है, जो शॉर्ट करने से आपका कंप्रेसर चलेगा। इस तरह से रखना है आपको, और ये दो तार को आपको कमन, और यहाँ पर देखिए ये कमन पे चला गया, और यहाँ पर कैपेसिटर से होके एक नेगेटिव पे आ गया। यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव नेगेटिव चला गया कैपेसिटर में, और यहाँ पर चला गया स्टार्टर में, और ये जो कमन है कमन पे फेज दे देना है आपको, और ये स्टार्टर पर यहाँ पर रखना है, और ये दो तार को आपको इस तरह से रखना है कि तो आपको अच्छी तरीके से इस तरह से आपको शॉर्ट करना है, इस तरह से, इस तरह शॉर्ट करेंगे तो कंप्रेसर चलेगा। ये दो तार को आपको इस तरह से शॉर्ट करना है, इस तरह से, ये स्टार्ट, ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर अच्छी तरह से लेना है, शॉर्ट लग सकता है आपको, बहुत ध्यान से देना है, और आपको ये जो दो तार को आपको इस तरह से ऐसे शॉर्ट करना है। मैं आपको ये लॉक को देके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ।
अभी देखिए मैं स्विच को दे दिया हूँ। अभी बहुत ध्यान से आपको करंट लग सकता है, दूरी बनाए रखे और प्लास्टिक की मदद से आपको अच्छी तरह से पकड़ के रखे, ये जो करंट लग सकता है छूना नहीं। अब मैं ये जो दो तार हैं, ये दो तार को मैं शॉर्ट करके आपको कंप्रेसर का चला के दिखाता हूँ। देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, अभी करंट चला गया। अभी देखिए मैं शॉर्ट करता हूँ, देखिए पट की आवाज़ आया, देखिए पट की आवाज़ आया, देखिए चल रहा है कंप्रेसर। देखिए ये कंप्रेसर चलने का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए अभी कंप्रेसर चल रहा है, आपको बहुत ध्यान से रखना है। देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म आ रहा है, गर्मी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कंप्रेसर गर्म हो रहा है और चलने की आवाज़ आ रहा है, आपको महसूस आ रहा होगा। डायरेक्ट कंप्रेसर चल रहा है, अब हम ऊपर से जाके देखेंगे। हम अभी हम जाके देखते हैं कूलिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ ये देखिए कूलिंग हवा आ रही है, यानी कि आपका कंप्रेसर ठीक है। इस तरह से आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट भी कंप्रेसर को आप चला के देख सकते हैं कि आपका कंप्रेसर ठीक है या नहीं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।